जैन बच्चों, ये बटालियन वाले बच्चे बिल्कुल अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके लिए बहुत दिनों बाद ये बटालियन की भर्ती आ गई है। इसके बारे में पूरा आपको फेक और रियल, तो रियल ही बात बताऊंगा। जो भी बच्चे हैं, कई स्टेटों के बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करके अपना कम हाइट पे जो डिस्टर्ब हो रहे थे, जिनको ये दिक्कत हो रहा था कि मेरी हाइट नहीं है, मैं वैकेंसी देख पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, तो उन बच्चों के लिए गुड न्यूज है। तो आप लोग बिल्कुल रेडी होकर के सारी बातों को सुनना और समझना, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे तैयारी करना है और कैसे आपको पास होना है टीए बटालियन के अंदर। ठीक है, जीडी की भर्ती है कि ट्रेडमैन की भर्ती है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और सरप्राइज, थोड़ा बहुत मेरी बातें सुनोगे तभी मैं आपको टीए के बारे में बताऊंगा, अदरवाइज सारी आपकी काम की बातें बताऊंगा, मेरी काम की भी तो बातें सुनोगे ना भाई। आपको बता देता हूं कि जो बच्चे अभी आरपीएफ का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, दिल्ली होम गार्ड के लिए, बीएसएफ के लिए, एमटीएस सीएचएसएल के लिए, एसएससी जीडी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, ये सभी बच्चों के लिए जो अभी हम लोगों ने अपना फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट किया है, क्योंकि ये 999 वाला दिन तो खत्म हो गया दोस्त, क्योंकि आज के डेट में लाइव क्लासेस का कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही निशुल्क पढ़ा रहा हूं और आगे भी निशुल्क ऑनलाइन क्लासेस देता रहूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे ऐप के ऊपर नहीं है, आप प्ले स्टोर में जाकर के चार्ली एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो, लाइव क्लासेस लो, भर्ती का इंफॉर्मेशन लो, मॉक टेस्ट दो, एक्स वाई जेड जो भी भर्ती से जुड़ी चीजें ना, सब चीज निःशुल्क, फ्री 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 फ्री। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सबसे पहले नंबर पे कि टीए बटालियन का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी वैकेंसी जो है आपको बहुत ही जल्द, कब, अगस्त चल रहा है, सितंबर में आप इसका फॉर्म आवेदन कर सकते हो, सेम ऐसे ही जैसे इंडियन आर्मी जीडी का फॉर्म आप भरते हो उसी तरीके से आप टीए बटालियन का भी फॉर्म भर सकते हो। बच्चों ये एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको अभी बड़ा करके दिखाई दूंगा जिसमें आपको पूरी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हिंदी में पढ़ करके बता दूंगा कि इसमें कौन भरेगा, कैसे भरेगा, कितनी हाइट, कितनी वेट और कितना एज, सारी चीजें बताऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहना। आपको मैं यहां पे बता देता हूं कि टीए बटालियन ट्रेड्समैन वैकेंसी है, ये वैकेंसी जीडी की नहीं है, ये वैकेंसी ट्रेड्समैन की। ट्रेड्समैन में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर आप बहुत आसानी से इंडियन आर्मी का ड्रेस, इंडियन आर्मी का लाइफ, आपको इंडियन आर्मी जैसा माहौल, इन्वायरमेंट, जो आपके रॉब, वो सारी चीजें मिलेंगी, सेम कैंटीन की फैसिलिटी, सेम आपको सीएचडी की फैसिलिटी, मेडिकल की फैसिलिटी, सारी चीजें सेम इंडियन आर्मी जैसे होती है। जैसे मैं जीतू फौजी हूं, वैसे ही आप लोग भी एक्स बाय जेड फौजी कहला सकते हैं। ये बटालियन कोई अलग नहीं है इंडियन आर्मी से, बस थोड़ा सा अलग ढंग से काम करता है दोस्तों। ठीक है, आपको बता सकता हूं कि ट्रेडमैन की भर्ती जो 10वीं और 12वीं से है, ठीक है, इसके अंदर 10वीं वाले बच्चे आराम से फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी 281 पद हैं जो टीए बटालियन ने निकाला है, अलग अलग जीरो, जैसे दिल्ली के अंदर 105 टीए बटालियन है, उस तरीके से अलग अलग जोनल का, अलग अलग स्टेट का इसमें मेंशन किया, जो मैं आपको बताता हूं कि ट्यूटोरियल आर्मी ट्रेडमैन की भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन जल्द शुरू होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर जो रैली डेट है वो सितंबर के अंदर है, मतलब कि अगले महीने में आपका आवेदन किया जाएगा और अगले महीने ही आपका जो फिजिकल का और रिटर्न का डेट होगा वो सारी चीजें निर्धारित कर दी जाएगी। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि इसके जो 4 जोन बनाए हैं, टीए जोन 1, टीए जोन 2, टीए जोन 3, टीए जोन 4, अब इसके अंदर टीए 1 जोन के अंदर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़, ये सारे बच्चे टीए 1 जोन के अंदर फॉर्म आवेदन करेंगे और ये यहां पे फॉर्म सबमिट करके ये सारे जगह के जो बच्चे हैं वो एक ही जगह पे अपना दौड़ और पढ़ाई, एक्टिविटी, सारी चीज करेंगे। उसके बाद जोन 2 के अंदर उत्तराखंड के बच्चे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, ये जो जोन 2 में डाला गया है इनका जो फिजिकल और रिटर्न होगा वो उनको एक साथ करवाया जाएगा। उसके बाद जोन 3 के अंदर मणिपुर, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल और अंडमान निकोबार द्वीप, ये जोन 3 के अंदर डाला गया, जिसके अंदर बच्चे एक साथ अपना
रिटर्न और एक साथ अपना फिजिकल मेंटेन करेंगे। और जोन फोर में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और पेंडाचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, दादर हवेली और दमन द्वीप, ये जोन फोर में डाला गया। तो ये चार जोनल में भर्ती होगी। इनका कहां पे फिजिकल होगा, कहां पे इनका रिटर्न होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं कंटिन्यू देता रहूंगा। साथ में आपको मैं एक चीज और बता दूं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दसवीं पास चाहिए, आपको परसेंटेज में हमेशा वो रहता है। तो ये ट्रेडमैन की भर्ती है, टीडीएन की भर्ती है, इसके अंदर आपको 33% की रिक्वायरमेंट है। ईच सब्जेक्ट भी आपको कितना चाहिए, 33% ही चाहिए। तो 33% आपका ऑल ओवर परसेंटेज होगा, इससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम है तो थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी, ठीक है। तो ये आपके परसेंटेज होंगे। और अगर किसी ट्रेड, जैसे इसमें ट्रेड है हाउसकीपर है, इसमें चीफ का है, हेयर ड्रेसर है, वॉशरमैन है, और ये काफी सारे टेलर है, तो ये सारे ट्रेडों में अगर आपके पास अगर कोई डिप्लोमा है तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा और आपको अच्छे नंबर से मार्किंग से पास भी कर सकते हैं। बाद में इसके अंदर आपको एक चीज और जो सता रहा था कि एज मेरा निकलता जा रहा, मैं क्या करूं, इंडियन आर्मी में तो सबको पता है कि भाई एज 21 साल कर दिया जीडी का। अब आप इसके अंदर 18 साल से लेकर के 42 साल तक अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर जोश है, तो आप आराम से भर्ती हो सकते हो। लेकिन आगे जो एक चीज बताने वाला हूं उसके अंदर थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, क्योंकि एज तो इसके अंदर अच्छा मिल रहा है, लेकिन भाई साहब ये क्या करोगे आप, जो आपका ये 1600 मीटर का रेस है, इसके अंदर टाइमिंग दिया हुआ है 5:30 का फर्स्ट ग्रुप, और सेकंड ग्रुप दिया हुआ है 5:31 से 5:45। दोस्त नहीं मिलेगा, भूल जाना, दिमाग के अंदर से फतूर निकाल देना। टीए की बटालियन की भर्ती है, टीए ट्यूटोरियल आर्मी की भर्ती है, तो आपका जो इसके अंदर टाइमिंग होगा वो आपका 5 डाउन या 5:05 या 5:10 लास्ट। अगर आपकी हाइट कम है, आपने अच्छी मेहनत कर रखी है, सारा चीज कर रखा, तो ये भर्ती आपको 100% मिलेगा। अगर आपकी हाइट भी कम है, आपने मेहनत भी अच्छी नहीं कर रखी, तो दोस्त ये भर्ती आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, ठीक है दोस्त। तो जितने भी बच्चे इसके अंदर तैयारी करना चाहते हैं, उनका 1600 मीटर का टाइमिंग 5 डाउन या 5:05 या 5:10 लास्ट आपके पास ऑप्शन है, आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। रिटर्न, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग, आपके 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसान होगा, जो कि आप मेरे ऐप पे जाकर के मॉक टेस्ट लगाओगे, टीए ट्रेडमैन के क्वेश्चन मॉक टेस्ट पे, तो आपको उसके अंदर सारी चीजें, आपने 50 मॉक टेस्ट लगा लिया, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है दोस्त, आप आराम से भर्ती हो जाओगे। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, हाइट मांगा है 160 सेंटीमीटर, लड़कों के लिए है बस अभी, 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा है आपका, चेस्ट 77 से 82 मांगा है, और इसके अंदर चेस्ट आपका जो बताया कि 77 से 82, तो ये फुलाप चाहिए, तो ये चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी के अंदर चेस्ट में फुलाप ना हो, चेस्ट में फुलाप बहुत आसान होता है, इजीली हो सकता है। तो बाकी आप लोग इसको देख सकते हो। आगे मैं आपको बता देता हूं कि चार्ली एकेडमी के नए अपडेट किए हुए 2024 और 25 से बिल्कुल जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस सभी को लेस करके हम लोगों ने आप लोगों के न्यू लेटेस्ट वर्जन जो बुक्स है वो आपको घर बैठे आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन से, चार्ली एकेडमी के वेबसाइट के ऊपर जाकर के, या ऐप से भी हमारे को आप हमारे घर बैठे बुक मंगवा सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, चाहे जीके हो, जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको सभी मीडियम में, सभी लैंग्वेज में के अंदर आपको घर बैठे चार्ली एकेडमी के अपडेट 2024-25 अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको दे करके डाला हुआ है, और अपग्रेड करके आपको ये बुक्स मिल सकता है। बाकी आपको मैं बता देता हूं कि जितने भी बच्चे टीए के भर्ती होने वाले हैं वो आप ऑनलाइन क्लासेस से भी अगर दूर हो तो ले सकते हो फ्री में, या फिर आप एक्स वाई जेड जितने भी नॉलेज है सारी चीजें हम आपको चार्ली एकेडमी में पूरा का पूरा प्रोवाइड करवाएंगे। जय हिंद दोस्तों।